अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा शिक्षक अन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बाल्य निर्माण के माध्यम से युग निर्माण की महान योजना को धरती पर साकार करना है। स्थानीय शासकीय कन्या उमावी परिसर में आयोजित उक्त आयोजन में विकास खंड के शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति में मुख्य अतिथि गायत्री परिवार इंदौर के उपजोन प्रभारी श्री कृष्णा शर्मा, विशेष अतिथि जिला संयोजक श्री योगेश पाटीदार एवं राधेश्याम जी पाटीदार थे। शर्मा जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान परिवेश में वक्तृत्व एवं कर्तव्य में समानता नहीं होने के कारण समाज में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहे। वाणी और आचरण की एकरूपता से ही समाज और राष्ट्र की क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। वर्तमान में दोनों ही क्षेत्रों में शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि है। बच्चों को संस्कार शालाओं के माध्यम से महान बनाने के सिद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष को भी विभिन्न कहानियों और गतिविधियों के माध्यम से रोचक तरीके से समझाया गया। अंत में शिक्षकों और बच्चों ने अपने फीडबैक में ऐसी कार्यशालाओं के माध्यम से नव निर्माण करने के दायित्व के साथ ही अपना समय और प्रतिभा देने के संकल्प के साथ एवं गायत्री परिवार के शिक्षा आंदोलन में अपनी भागीदारी करने की प्रतिज्ञा विचार कार्यक्रम का समापन हुआ। गायत्री परिवार के संस्थापक रहे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने 7 आंदोलन निर्धारित किए हैं। उसमें एक आंदोलन शिक्षा आंदोलन है। शिक्षा आंदोलन के तहत हम बच्चों में नैतिक संस्कार, राष्ट्रीयता और समाज सेवा की भावना जागृत करने के लिए इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन करते हैं। इसमें शिक्षकों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि वो बच्चों के बीच में काम करें और बच्चों के अंदर नैतिक संस्कार, राष्ट्र प्रेम की भावना, समाज सेवा की भावना उनके विकसित करें। इसमें इसके माध्यम से क्या बाल संस्कारशाला के लिए भी प्रेरित किया? इसके माध्यम से ये जो शिक्षक है जो यहाँ पे उपस्थित हुए, ये बच्चों के बीच में काम करेंगे और बच्चों को गतिविधियों के द्वारा, खेलों के द्वारा, कहानियों के द्वारा और खेल खेल में उनको नैतिक संस्कारों की ओर मोड़ेंगे। सेगांव से जय गुप्ता की ये रिपोर्ट।